हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और अभी मैं बात करने वाला हूं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जिसके कारण से हम किसी चीज को मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला ये वीडियो, तो इसको पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए, अगर आप नोट्स हमारे यहाँ से लेना चाहते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर, तो बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको 24/7 सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। आपको हमारे चैनल पे आना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, और उसके बाद ये ज्वाइन का बटन जो आप देख पा रहे हो, इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक करके आपको इग्नू बीकॉम वाले ऑप्शन में जाकर के एक छोटा सा नॉमिनल सा फी पेमेंट करना है, जिसके बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, आपको नोट्स बहुत ही सस्ते दामों पे मिलेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आप ऑन डिमांड लेक्चर्स बनवा सकते हो, किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का सजेशन आप मुझसे क्लियर कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो रिगार्डिंग एनी थिंग इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर स्टडी। अप टू थर्ड ईयर आपके, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको जो है ये सर्विसेज एक तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी हमारे चैनल के तरफ से, ठीक है ना। तो अब बात कर लेते हैं हमारे प्लेलिस्ट के बारे में। तो आप, मैं चाहूंगा कि आप हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए कॉमर्स की पाठशाला का। वहाँ पे इग्नू बीकॉम नाम से आपको प्लेलिस्ट दिखेगा, इग्नू बीकॉम न्यू के नाम से। यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहाँ पे ढेर सारी वीडियोज हैं जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला जो एसेंशियल या फिर सबसे पहला जो फीचर होता है वो ये होता है कि रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड इनोसेंटली। जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वो जो गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया है, वो इनोसेंटली होना चाहिए। मतलब कोई जानबूझ करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई जानबूझ के करेगा तो वो फ्रॉड कहलाएगा, है ना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनोसेंटली होना चाहिए। ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, जो व्यक्ति कर रहा है, जो गलती से वो कर रहा है, उसको ये बिलीव होना चाहिए कि जो वो कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है ना। क्योंकि वो, उसको लगेगा कि वो गलत करेगा तो वो करेगा ही नहीं ना, है ना। तो मिस रिप्रेजेंटेशन गलती के कारण ही होता है, तो वो इस चीज में बिलीव करता है कि जो उसने किया है वो उसने सही किया है, विदाउट द इंटेंशन ऑफ डिसीविंग द अदर पार्टी, बिना कोई ऐसा इंटेंशन लिए कि उसको जो है दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। तो ये सबसे पहला हमारा एसेंशियल है। दूसरा एसेंशियल है, मिस रिप्रेजेंटेशन शुड बी द फैक्ट मटेरियल नॉट द कॉन्ट्रैक्ट। मिस रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फैक्ट्स के मटेरियल के अकॉर्डिंग होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस करके होता है। अ मेयर एक्सप्रेशन ऑफ वन्स ओपिनियन इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, है ना। तो किसी एक व्यक्ति के ओपिनियन का, एक तरीके से जो ओपिनियन होगा, जो उसका एक्सप्रेशन होगा किसी एक चीज को लेकर के, उसको आप एज ए स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स नहीं कर सकते। मिस रिप्रेजेंटेशन में फैक्ट्स ऑफ मटेरियल आएगा, ना कि फैक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अनट्रू। जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल वो गलत होना चाहिए, तभी तो हम उसको मिस रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो अनट्रू होना चाहिए, गलत होना चाहिए, बट द पर्सन मेकिंग इट शुड बी ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, है ना। तो जो गलती कर रहा है वो तो बिल्कुल उम्मीद कर रहा है ना कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन वो गलती से गलती कर रहा है ना। तो रिप्रेजेंटेशन सबसे पहली बात तो गलत होनी चाहिए, दूसरा जो गलती उस काम को कर रहा है, जो मिस रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि वो गलती है, ठीक है ना, वो गलत है। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, एंड अदर पार्टी मस्ट हैव एक्टेड ऑन फेथ ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, है ना। फोर्थ पॉइंट है, जो रिप्रेजेंटेशन आपने किया है वो, उसमें आपका ये एक तरीके से होना चाहिए कि आप जो चीजें कर रहे हो, आप एक तरीके से पार्टी को इंड्यूस करने के लिए कर रहे हो, पार्टी को एक तरीके से इनकरेज करने के लिए कर रहे हो कि वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, और साथ में जो पार्टी है वो भी एक तरीके से अंधविश्वास नहीं, वो आपके मिस रिप्रेजेंटेशन को सही समझ करके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, आपके ऊपर फेथ कर रही है ना। तो ये भी एसेंशियल है मिस रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कुछ गलती हुई है, ना गलती करने वाले को पता है, ना जिसके साथ गलत हो रहा है उसको ये बात पता है कि उसने गलती की है ना। तो ये भी एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इसका हो जाता है। अ पार्टी कैन नॉट कंप्लेन ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इफ ही हैड द मींस ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रूथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। तो ऑर्डिनरी डिलीजेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको सच्चाई का पता चलता है कि भाई यहाँ पे किसी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन है, तो उस केस में आप किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो गलती हुई है वो गलती से हुई है, राइट। तो यहाँ पे आप किसी भी तरह का क्लेम नहीं कर सकते हो। फिफ्थ नंबर पॉइंट है, द फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव बीन मेड बाय द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द अदर हु इज मिसलेड, है ना। तो जो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन है उसको किया गया है भाई एक पार्टी के द्वारा किसी कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि एक तरीके से मिसलेड हो गया है ना। जो पार्टी जिस चीज के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें चूंकि रिप्रेजेंटेशन सही नहीं था, मिस रिप्रेजेंटेशन था, तो वो एक तरीके से कहीं और चला गया है वो जो डील है,
है ना, थोड़ा डिफरेंट हो गया है। इफ इट इज नॉट एड्रेस्ड टू द पार्टी हु इज मिसलेड, अगर आप आगे जाकर के इस पार्टी को नहीं बताते हो कि भाई तुम्हारे साथ ये गलती हुई है इसलिए डील जो है हमारा ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो आप एक तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हो, आप एक फ्रॉड कर रहे हो। क्योंकि जब आपको पता चल जाता है कि आपने कुछ गलती की है और आप पार्टी को बताते नहीं हो, तो वो एक किस्म का फ्रॉड हो गया, है ना। बट जैसे ही आपको सच्चाई का पता चल जाए थ्रू ऑर्डिनरी डिलीजेंस, आपका काम होता है कि आप उस पार्टी को बता दो ताकि वो मिसलीड ना करे, चीजों को गलत तरीके से ना समझे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो हम इसे मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे फ्रॉड। ठीक है। इन पीक वर्सेस गर्ने, ये एक केस था जो कि हुआ था। इसमें क्या हुआ था, सम फॉल्स स्टेटमेंट्स वेयर मेड इन द प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के प्रोस्पेक्टस में कुछ फॉल्स चीजें दिखाई गई। अ परचेज सम शेयर्स फ्रॉम द बी द अलॉटी, जिसने अलॉट किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस, ए वांटेड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ए जो है अवॉइड करना चाहता था कॉन्ट्रैक्ट को कि ये कह के कि उसको जो है एक तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया गया है। इट वॉज हेल्ड दैट ही कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, ये देखा गया कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर पाया बिकॉज द प्रोस्पेक्टस वॉज एड्रेस टू द फर्स्ट अलॉटी एंड नॉट टू द ए, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस किया गया था वो अलॉटी को किया गया था ना कि ए को किया गया था, है ना। तो बी ने कुछ चीजें परचेज की हैं, बी ने कुछ चीजें परचेज की हैं प्रोस्पेक्टस को देख करके, उसको पता नहीं चला है कि कुछ गलती है, लेकिन ए को पता चल गया, वो चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए, तो वो आप नहीं करवा सकते क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस किया गया था प्रोस्पेक्टस में वो बी को किया गया था ना कि ए को किया गया है। ठीक है ना। सो दीज आर द फाइव एसेंशियल ऑफ अ मिस रिप्रेजेंटेशन। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।